वेलकम बैक टू वीटी व्लॉग गाइस। सो आज जो हमारा इस वीडियो का मेन पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि कल मेरी बाइक फर्स्ट सर्विस होके आई है, तो उसके बाद एक ये सर्विस रिमाइंडर की जो लाइट है अभी तक ऑफ नहीं हुई है, या तो वो भूल गए थे या जो भी था वो हटी नहीं, तो मैंने उनसे कॉल करके कि इंक्वायर किया था। सो अब मुझे प्रोसेस पता है इसको कैसे हटाना है, मैं आप लोगों को भी अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हटेगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हमारा जो क्लच वाला साइड है, यहाँ पे एक आई बटन होता है जिससे हमारी ये सारी ऑडोमीटर वाली सेटिंग्स जो है वो कंट्रोल होती हैं डिजिटल वाली। सो अब इसको हमें प्रेस करके क्या करना है, सबसे पहले हम लोग विशाल इस पर जूम करना है एक बार। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक ऑडोमीटर आता है जो मेन किलोमीटर्स हमारे बताता है, सेकेंड ट्रिप वन आती है, हमें ट्रिप टू खोलनी है और उसके बाद हमें ये ऑफ कर देना है। ऑफ किया बटन, अब हमने आई बटन जो आपको पता होगा उसको प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स है। सो अभी 10 सेकेंड्स के लिए इसको दबा के रखेंगे, कट नहीं करूँगा गाइस, वीडियो पूरी चलने देते हैं जिससे कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सो अब विशाल जब मैं बोलूँगा ना इसका स्विच ऑन कर देना। सो गाइस अभी बस और थोड़ी देर ऑन कर दे। सो आई थिंक 10 सेकेंड्स हो ही गए होंगे। सो अब बाइक ऑन हो रही है, लेट इट बी। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लिंक हो रहा है, अब ब्लिंक होता होता है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, हमें छोड़ना नहीं है बटन को, कीप प्रेसिंग इट। तो आपने देख लिया होगा गाइस यहाँ पे हमारा वो सर्विस का जो था रिमूव हो चुका है। तो अब ये हमारे एग्जैक्ट 5000 किलोमीटर्स के बाद या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम परचेज डेट के बाद वापस से ब्लिंक होना स्टार्ट होएगा और सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो आप लोग। सो यही था आज के वीडियो का, और बहुत जल्दी आपके लिए हम वीडियो ले आएंगे एक और जिसके अंदर हम आपको ऑनरशिप एक्सपीरियंस देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 579.7 हमारी बाइक चल चुकी है। सो एक सेल्फ दे लेते हैं जस्ट फॉर फन। तो कीप सब्सक्राइबिंग और कीप You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different?